नमस्कार दोस्तों, आज हम नया वीडियो लेके आए हैं। पिछले वीडियो में अपने बात की थी वीजाइनल इन्फेक्शन के बारे में, वाइट डिस्चार्ज के बारे में अपन ने बात की थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट दीपचंद कुमावत आज आपके लिए उसी वीजाइनल इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन होने पर हमें कौन सी क्रीम यूज में लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इसी क्रीम के लिए अपन को बेस्ट क्रीम आती है कैंडिड के नाम से, ये ग्लेनमर्क फार्मा इसको बनाती है। ये क्रीम किस टाइम पे अपन को यूज में लेनी चाहिए और किस बीमारी में अपन को यूज में लेनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, ये कैंडिड क्रीम होती है, इसमें क्लोट्रिमाजोल साल्ट आता है। क्लोट्रिमाजोल साल्ट वजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी काम में लेते हैं और रिंग रिमूव के लिए भी काम में लेते हैं, इचिंग के लिए भी काम में लेते हैं, इरिटेशन के लिए भी काम में लेते हैं। दोस्तों, इसका कई बीमारियों में इन्फेक्शन को दूर करने में लिया जाता है। दोस्तों, इस क्लोट्रिमाजोल जो साल्ट होता है वो वीजाइनल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसमें वीजाइनल इन्फेक्शन होने पे हमें वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, खुजली की समस्या होती है और कई प्रकार की समस्याएं अपन को होती है। इसके लिए अपन को ये कैंडिड क्रीम यूज में लेनी चाहिए और इस क्रीम को और कहाँ यूज में लेनी चाहिए, जैसे गोल गोल रिंग सी हो जाती है रेड कलर की सी, और जी पैरों की अंगुलियों पे निशान हो जाते हैं, रेड रेड निशान से हो जाते हैं। इस क्रीम को यूज में लेना चाहिए। इस क्रीम को लगाने का सही तरीका होता है, इसको पहले हाथ पे थोड़ा सा लेना चाहिए और अंगुली से गोल गोल घुमाना चाहिए। जब तक ये है ना, जब तक ये क्रीम नहीं दिखे ना, तब तक अपन को घुमाते रहना चाहिए, ये अपनी इन्फेक्शन की जगह रम जानी चाहिए, इसलिए अपन को इसको यूज में लेना चाहिए। दोस्तों, इस क्रीम को वैसे तो कोई साइड इफेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को नोजिया वाले बीमारी में नहीं लेना चाहिए। जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है, इचिंग सी हो जाती है, जलन सी हो जाती है, इस स्थिति में अपन को नहीं यूज में लेना चाहिए। अब किस स्थिति में अपन को यूज में नहीं लेना चाहिए, दोस्तों ये वैसे तो हर आदमी इसको यूज में ले सकते हैं, बच्चे भी यूज में ले सकते हैं और प्रेगनेंसी महिलाएं भी यूज में ले सकती हैं, स्तनपान करने वाली महिलाएं भी अपन इसको यूज में ले सकती हैं। इसके जैसे कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है और अपन इस क्रीम को यूज में बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसको वीजाइनल इन्फेक्शन में ज़्यादा यूज में ले जाते हैं। दोस्तों, इसकी MRP भी ज़्यादा नहीं है, ये सस्ती क्रीम मिल जाती है, 98 रुपीज की अपन को बाजार में अवेलेबल हो जाती है। अगर फिर भी अगर कहीं भी नहीं मिलती है तो आपको आप अपनी विनायक मेडिकल्स पे आके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रीम को लगाने पर आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा, वाइट डिस्चार्ज में रिलीफ मिलेगा और फंगल इन्फेक्शन में काम मिलेगा और खुजली में काम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।